राजधानी में आयोजित हुआ 2621वां महावीर जयंती समारोह हाल ही में विज्ञान भवन में राष्ट्रगुरु परमाचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज की पावन मौजूदगी में 2621वां महावीर जयंती का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के समारोह के मुख्य संयोजक गजराज जैन गंगवाल, अध्यक्ष प्रमोद जैन, उपाध्यक्ष टीनू जैन, स्वास्तिक हौजरी, महामंत्री पवन जैन गोधा, मंत्री शरद राज कासलीवाल, कोषाध्यक्ष जिनेन्द्र जैन, विभोर जैन, गाजियाबाद वाले समेत कई अन्य जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। समारोह में भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। उनके साथ केंद्रीय मंत्री सह भाजपा नेता वीके सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, भाजपा नेता सह NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय और भाजपा नेता मनोज जैन भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस मौके पर राष्ट्रगुरु परमाचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज ने अगले साल होने वाले महावीर जयंती के भव्य समारोह के लिए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी से सहयोग देने का आग्रह भी किया। देखिए, आप कुछ साल पीछे जाइए, रामनवमी के जुलूस पर या किसी धार्मिक जुलूस पर, किसी भी धार्मिक हो, पथराव होता था क्या? नहीं होता। मतलब अब क्यों होने लगा? इसका मतलब कोई उनको उकसा रहा है पीछे से। ये कौन है उनको ढूंढने की कोशिश करिए, आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा। दूसरी चीज है, कोई भी धर्म, और मैं तो सेना में हूं तो मेरे लिए सब धर्म बराबर हैं। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि किसी दूसरे धर्म का अपमान करे। सब धर्मों को जब हम साथ लेकर चलते हैं तभी देश बनता है, जब हम सब जातियों को साथ लेकर चलते हैं तभी देश आगे बढ़ता है। इसलिए जो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनको देखकर उनके नाम उजागर करिए, उन पार्टियों को आगे लाइए, अपने आप समझिए। देखिए, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। आज के दिन भगवान महावीर का अवतरण हुआ, हम उसको जन्म से अलग देखते हैं, और 2621 साल पहले, ये 2621 वर्ष भारत की संस्कृति के अनुरूप अहिंसा के धर्म पे पूरे समाज को, देश को, दुनिया को चलने की एक ऐसी पद्धति, ऐसा पथ बनाया जिन्होंने, उनका आज जन्म कल्याणक है। मैं पूरे दुनिया भर में, दिल्ली के साथ साथ, देश के साथ साथ, पूरी दुनिया भर में जो भी लोग अभी तक इसको नहीं समझे हैं, आप ज़रूर समझिए। अगर आप वर्धमान भगवान महावीर के इस रास्ते को समझ लिए तो मुझे लगता है रूस और यूक्रेन जैसे युद्ध से भी निजात मिल सकती है, चीन और अमेरिका के तनाव से भी निजात मिल सकती है। भारत तो उस पर आगे बढ़ ही रहा है, और यही कारण है कि भारत कम संसाधनों के बावजूद दुनिया का चहेता बन रहा है, क्योंकि हमको भगवान महावीर के रास्ते पर चलना आता है, भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलना आता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय पर चलना आता है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भी जन्म जयंती है, तो इस अवसर पे आज जो विज्ञान भवन में जो कार्यक्रम रखा गया है वो बड़ा ही सुंदर था। मैंने गीत भी गाया कि हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन, हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन सुलझा सकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। जिसने अहिंसा धर्म बताया, जीवन जीना हमें सिखाया, नहीं यही अहिंसा परम धर्म है महावीर स्वामी ने सिखाया। ये लाइनें में अभी अभी मन में जो आ रहा, तो सब लोग बोल रहे थे ना, तो हमके ज़्यादा बोलने से पब्लिक बोर हो जाती है। कविता हमेशा आकर्षित करती है, तो हमने एक लाइन और लिया है कि आज 2621वां इनका ये जन्म कल्याणक है, और बहुत जल्दी हम 2550वां उनका निर्वाणोत्सव मनाएंगे, उसको हम लोग विश्व स्तर पे मनाएंगे। हमारे प्रज्ञा सागर मुनिराज जी की भी इच्छा है, और मुझे पूरा विश्वास है जैसे हमने 550 साल हमने किया, हमारे सिख समाज के, आप लोग देखा भी है नरेंद्र मोदी जी ने,
हमें पूरा विश्वास है कि हम 2550वां जो वर्ष होगा भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव का, उसको भी ऐसे ही धूम और लोगों के बीच जाकर मनाएंगे ताकि लोग इस रास्ते पे चलें।